विधानसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान 78 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को काउंटिंग होना है। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज 4 बजे तक प्रचार प्रसार का व्यवस्था की गई थी ईसीए द्वारा, वो समय खत्म हो चुका है। इसके बाद किसी का प्रचार प्रसार किसी भी माध्यम से करने का रोक है। 72 घंटे साइलेंस पीरियड माने जाएंगे। इस वक्त में व्यापक रूप से छापामारी अभियान, किसी भी प्रकार के प्रलोभन की सूचना पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, ये सब कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। 30 तारीख के चुनाव के लिए कई टीम्स बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सीपीएफ यानी सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स का प्रतिनियुक्ति, क्रिटिकल मतदान केंद्रों का डायरेक्ट वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोग तक रिले कराने का काम इस बार किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर जोनल सुपर जोनल और पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण का प्रतिनियुक्ति की गई है। कहीं भी ऐसे सूचना मिलेगी कि मतदान प्रक्रिया को, मतदान केंद्रों को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की जाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सीपीएफ एवं संबंधित मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। विशेष नज़र बोगस वोटिंग या इस प्रकार के बूथ कैप्चरिंग, इस प्रकार की असामाजिक विषयों पर भी रहेगी। किसी भी प्रकार की गतिविधियां पाई जाएंगे तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएंगे, संगत धाराओं के तहत FIR दर्ज किया जाएंगे और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत सजा भी दिलाया जाएंगे। तो इन सब तैयारियां की जा चुकी है। इस बार पहली बार महिलाओं का बूथ, 44 बूथ हम लोग चिन्हित किए हैं, जहाँ पर केवल महिलाएं वोटिंग करेंगी और मतदान कर्मीगण भी महिलाएं रहेंगी। पोलिंग एजेंट भी कई कैंडिडेट्स ने आश्वस्त किया कि महिलाएं रहेंगी, ये पहली बार होगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।